नमस्कार, मैं यशिका गुलाटी स्वागत करती हूँ आप सबका मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड बुलेटिन में, जहाँ हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स। शुरुआत करते हैं टीवी के मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका उस घनश्याम नायक से, जिनका कल 77 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। सबके प्यारे नट्टू काका पिछले कई सालों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर्स के मुताबिक घनश्याम नायक के शरीर में मल्टीपल ट्यूमर्स थे, जिसका इलाज कई सालों से चल रहा था। अब आते हैं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर, जो ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी के निशाने पर हैं। आपको बता दें, आर्यन को एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आर्यन ने भी अपना मेमो ऑफ अरेस्ट एक्सेप्ट किया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अब साथ ही खबर आ रही है कि आर्यन को जल्द ही बेल भी मिल सकती है, क्योंकि जांच में अभी तक उनके खिलाफ कुछ सामने नहीं आया है। उन पर सिर्फ कंजम्पशन के चार्जेस लगाए गए हैं। अब उनके अरेस्ट की जहां तक बात है, तो आपको बता दें, खान परिवार के इस मुश्किल भरे दौर में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। कल जब आर्यन को अरेस्ट किया गया, उसके तुरंत बाद रात को शाहरुख खान के घर मन्नत में सलमान खान को स्पॉट किया गया, जो वहाँ शाहरुख को ये भरोसा दिलाने गए थे कि वो हमेशा की तरह उनके साथ ही हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी की, जो अपनी अगली आने वाली फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग दिल्ली में शुरू कर चुके हैं। दरअसल अक्षय कुमार हाल ही में लंदन से अपना शूटिंग शेड्यूल खत्म करके दिल्ली आए हैं, जहां अब वो चांदनी चौक में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अक्षय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर करते हुए ये लिखा, और चांदनी चौक आकर अपनी सारी पुरानी यादें ताजा की। अब बात करते हैं बॉलीवुड के शानदार कलाकारों में से एक मनोज बाजपेयी की, जिन्होंने कल अपने पिता श्री आर के बाजपेयी को खोया है। उनके परिवार के इस लॉस के बाद बॉलीवुड के सभी कलाकारों से लेकर मनोज के फैंस उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। इस प्यार और सपोर्ट को देखते हुए मनोज ने अपने ट्विटर हैंडल पर सबके लिए ये मैसेज शेयर किया। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ना सिर्फ पर्दे पर जबरदस्त एक्शन करते दिखते हैं, बल्कि रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में भी वो काफी फिट हैं। दरअसल सोनू सूद की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वो एस्केलेटर पर स्टंट करते दिख रहे हैं। एक्टर ने ये वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। तो जाते जाते अब जान लेते हैं पिछले बुलेटिन के सवाल का सही जवाब। हमने आपसे पूछा था कि फिल्म कहानी में विद्या बालन अपने पति को ढूंढने कौन से शहर में जाती हैं? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। और हमारे इस सवाल के विनर्स हैं सुमित, धृति और शुभम। हमारा आज का अगला सवाल है, बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन की पहली फिल्म कौन सी थी? अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल। धन्यवाद।